रेकी अटूनमेंट के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक ऐसी सिंबल की अटूनमेंट लेते हैं जिससे घर में पूरी खुशियां फैले, यानी कि डिप्रेशन ना हो, काम में मन लगे। जैसे होता है किसी को डिप्रेशन हो तो उसको काम में मन नहीं लगता, अकेले बैठने को मन करता है, खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता, उसका भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, झुंझलाहट होती है बात बात में और बिल्कुल उदास रहता है, अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है, किसी को भी अगर डिप्रेशन हो गया है या घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है या नहीं भी है, लेकिन आप चाहते हो कि जो भी लोग अंदर आए घर के वो खुशी बिखेरे, प्रसन्न रहे और एकदम खुशी का माहौल हो, उसके लिए जापानीज एक सिंबल है कोरीकी। इसको मेन गेट पर डालें और घर की हर एक दीवार पर डालें। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके ऊपर डालें, उनको दे करके, उनके ऊपर डालकर उसको गोद में लेकर रखें और उस पर ये सिंबल डाल करके और उसकी रेकी हीलिंग करें, वो हमेशा खुश रहेंगे और मतलब घर में कोई उदासीनता नहीं आएगी किसी भी तरह से। ज़्यादा करें तो एक टैग बना करके भी उस पर ये बना करके और डेकोरेशन की तरह रख सकते हैं या टांग सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर की शीट के ऊपर इसको बना करके रखें और उसके ऊपर जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, इसमें रखकर वो पीते रहेंगे तो पूरा वो आपको खुशी देगा, एनर्जी देगा पूरी की पूरी, और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको पूरा वो एकदम शांत रखेगा और आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। कोरी की जो है एक बार बनाओ, तीन बार बोलो, ऐसे बना सकते हैं। सीधी पहले नीचे टेढ़ी लाइन और फिर सीधी लाइन और फिर सीधी लाइन करके फिर दो टेढ़ी लाइन नीचे, फिर सीधी लाइन, फिर एक नीचे सीधी लाइन करके एक खड़ी लाइन और नीचे से फिर एक टेढ़ी करके कर्व बना करके और ऊपर क्रॉस करके सीधा टेढ़ा। ये ऐसे बनाने का तरीका है, थोड़ा लंबा है, इसको देखकर बनाइए आप आराम से, क्योंकि ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पेपर के ऊपर उसको बना करके स्क्रीन पर देखिए, पेपर पर बनाइए और फिर उसको देख देख कर फिर आप आराम से बना सकते हैं। जब यूज़ करना हो तब भी पेपर पे जो लिखा हुआ है उसको देख देख करके और कोरी की बोल करके और एक बार बोल करके और तीन एक बार बनाते हुए तीन बार बोल करके इसको आप आराम से बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, एक एक लाइन में बनाइए, क्योंकि डिफिकल्टी मुझे भी डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आराम से, जैसे पेपर सामने रखा है बना हुआ और उसको देख देख के एक एक लाइन का नंबर वाइज नंबर लिखे हुए उसके हिसाब से देख के बनाइए और उसका यूज़ कीजिए। तो आइए अब इसकी अटूनमेंट शुरू करते हैं। आपने पानी पी लिया होगा, पंजे खुले होंगे, फ्लोर पर रखे होंगे, कमर सीधी करके बैठिए कुर्सी पर या सोफे पर आराम से बैठिए। दोनों हथेलियों को, ये दोनों हथेली जुड़ी हुई हों उंगलियाँ और इस ये ऊपर करके यानी आसमान की तरफ ऐसी खुली हुई हो, और इनको अपनी दोनों घुटनों पर आराम से रख के बैठिए। आंखें बंद कीजिए और दिमाग को शांत करने के लिए तीन बार सांसें लेंगे, जो कि एक रिदम में होगी और धीमे धीमे होगी, और एक साथ सांस लीजिए तीन बार करके। पहले सांस शुरू करते हैं, शुरू कीजिए, सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए, दूसरी सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए, तीसरी बार सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए। आराम से आंखें बंद करके बैठे रहिए और अटेंडमेंट शुरू करते हैं। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें नहीं खोल रही हैं, एकदम शांत होकर बैठिए, दिमाग शांत रखिए, कोई विचार ना आए दिमाग के अंदर।
अब आप 3 बार सांस लीजिए। पहली सांस शुरू करते हैं, लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए, दूसरी सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए, तीसरी सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए। अब आराम से, शांति से, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब दोनों हथेलियों के धीमे धीमे उठाइए, हाथ जोड़ने की मुद्रा में बंद कीजिए, उंगलियां जुड़ी हुई हो, अंगूठे जुड़े हुए हो, हार्ट के पास ला करके हार्ट चक्र पर धीमे से रखिए, दोनों अंगूठे हार्ट चक्र को छुए। अब हथेलियां खोलिए, आपस में हल्के से मलिए और क्राउन चक्र से थोड़ा सा ऊपर ला जाते हुए क्रॉस करते हुए छूते हुए, थ्रोट चक्र से छूते हुए, हार्ट चक्र से छूते हुए उनको छोड़ दीजिए। अटेनमेंट पूरी हो गई है, प्लीज इसका फायदा उठाइए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और सबको एकदम खुश रखिए। थैंक यू सो मच।